नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको 20 स्टॉक बताएंगे पूरे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के साथ। ये फ्यूचर के मल्टी बैगर स्टॉक्स होंगे जिसमें पूरा दम है फ्यूचर का एक मल्टी बैगर स्टॉक्स बनने का। ये जो 20 स्टॉक आपको बताएंगे, अगर इस 20 स्टॉक में अगर आपने 10 में इन्वेस्ट किया और 10 में से अगर 5 भी स्टॉक आपका चल गया तो समझ जाइए आपको इतने रिटर्न देंगे कि आपको पूरी तरह से मतलब मालामाल कर देंगे, एक मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त होगा। ऐसे ही 20 बेहतरीन स्टॉक्स इस सीरीज में हम कवर करेंगे। हर वीडियो में एक एक स्टॉक्स को कवर करेंगे, साथ ही साथ लेवल्स और टारगेट भी बताएंगे। किस लेवल्स और टारगेट पर आप जितनी बार इसमें गिरावट आए, करेक्शन आए, आपको बाय ऑन डिप्स करना है। तो अभी जो मार्केट का सिनेरियो है देख सकते हैं चारों तरफ काफी खराब, ऐसे में हो सकता है मार्केट में करेक्शन आए तो आपको एवरी करेक्शन बाय ऑन डिप्स करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस में वैल्यूएशन को जान लेते हैं। ये कंपनी का जो मार्केट कैप है 53,000 करोड़ है, इसका पी 42 का है, बुक वैल्यू देखते हैं 189 है और इसका जो इंडस्ट्री का पी है वो 29 है, जिससे ये काफ़ी महंगा स्टॉक सभी देख सकते हैं मिल रहा है। और अर्निंग पर शेयर है 59 का, तो डिविडेंड भी शानदार है, 1% का डिविडेंड यील्ड है। प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब एक रुपया बुक वैल्यू के लिए जो प्राइस देने के लिए इन्वेस्टर तैयार है वो है 13 रुपीज, मतलब बुक वैल्यू से प्राइस 13 टाइम्स है। तो सारे पैरामीटर्स ने आपने देख लिया। डिलीवरीज आप NSE के वेबसाइट पर डेली कितना चेंज हो रहा है, कितना मतलब क्वांटिटी डिलीवर हो रहा है वो देख सकते हैं। यहाँ पर 65.70% दिखा रहा है डिलीवरी। उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन में चलते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन पर क्लिक करके आप सारे कॉर्पोरेट एक्शन देखते हैं। जुलाई 23 को इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट काफ़ी डिपेंडेंट होगा, मतलब रिजल्ट पर काफ़ी डिपेंड करेगा स्टॉक का प्राइस। अगर रिजल्ट खराब आता है निश्चित है स्टॉक में काफ़ी करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। उसके बाद डिविडेंड देख सकते हैं, डिविडेंड भी काफ़ी शानदार, मतलब 2 साल ही लिस्टिंग हुआ है, 2 साल ही लिस्ट होना हुआ है इस कंपनी का। 2020 में देखते हैं 560%, मतलब 10 रुपया का 560% कर दिए, 56 रुपया आपको डिविडेंड दिया है, उससे पहले 48 रुपीज 2019 में। तो डिविडेंड भी काफ़ी बेहतरीन है। बोनस अभी तक कंपनी ने कोई बोनस नहीं दिया क्योंकि अभी तो 2019 में ही लिस्ट हुआ है, 2018-19 में स्प्लिट देख सकते हैं, कोई स्टॉक स्प्लिट अभी नहीं हुआ है। फाइनेंशियल पर देख लेते हैं, तो फाइनेंशियल देख लेते हैं कंपनी का रिजल्ट कैसा आया है मार्च क्वार्टर में, फिर अभी जो हमारा जून क्वार्टर आएगा वो बताएगा कि कंपनी आगे कैसा करने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कंपनी है लगातार ग्रोइंग मोड में था, यहाँ पर देख सकते हैं लगातार ग्रो हुआ था प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पर मार्च क्वार्टर अफेक्टेड हुआ था क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है, तो फाइनेंस कंपनी के सारे के मतलब जो रिजल्ट है वो प्रभावित हुआ था मार्च क्वार्टर का। ये एक AMC कंपनी है, तो आप नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नाम आगे आएगा वीडियो में, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप गस कर रहे हैं कौन सी कंपनी ये हो सकती है। यहाँ पर सेल्स देखिए, सेल्स भी लगातार धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था, मतलब ये कंपनी एक तो पहले से बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है, और उसमें भी लगातार कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था वो ग्रो कर रहा था। लेकिन जो हमारा ये फाइनेंशियल एक तरह से कहिए अभी क्राइसिस हो रहा है, मतलब फाइनेंस रूप से हर व्यक्ति जूझ रहा है जो मिडिल क्लास के लोग हैं, तो वैसे में इस कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो थोड़ा डिक्रीज कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में फिर से ये कंपनी परफॉर्म कर सकती है क्योंकि ये मार्केट की लीडर कंपनी है। जो लीडर होते हैं किसी भी मतलब सेक्टर के, लीडर पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका पकड़ होता है मार्केट पे, तो ये इस कंपनी के मार्केट पर काफ़ी पकड़ है। और इस कंपनी का जो ग्रुप है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, इंडिया का नंबर 1 ग्रुप है मार्केट के प्लाइजन में। उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट देख लेते हैं, तो देखते हैं जो हमारा नीचे चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट पर, तो नीचे कंपनी के बैलेंस शीट पर तो देखते हैं रिजर्व कंपनी के पास कुछ ही समय पहले लिस्ट हुआ है, देखते हैं लगातार कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, अभी 4,000 करोड़ हो चुका है, हर देख सकते हैं हर बार आप देखिएगा लगभग अप्रॉक्स 1,000 करोड़ का रिजर्व बढ़ रहा है हर साल, तो रिजर्व काफ़ी कंपनी का बढ़ चुका है। और कंपनी डेप्ट फ्री है, बिल्कुल डेप्ट फ्री देखते हैं कंपनी जब बिल्कुल डेप्ट फ्री है, बहुत सारे कम वैसे कंपनी आपको मिलेगी फाइनेंस सेक्टर का जो कि बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी होगा, तो देखते हैं कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है, इसका काम क्या है सिर्फ एसेट को मैनेज करना। तो अब नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर कैश और बैंक बैलेंस देखिए, कैश और बैंक बैलेंस 27 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है और कंपनी के पास, वहीं नेट करेंट एसेट कंपनी का भी निगेटिव में है। और नीचे चलते हैं, बुक वैल्यू कंपनी का इसी कारण डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज, कंपनी का बुक वैल्यू काफ़ी इंक्रीज हुआ है, तो हर पैरामीटर्स जो है काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है, तो ऐसी कंपनियां मिले
और जब भी आपको नीचे के प्राइस पर मिले, अच्छे वैल्यूएशन पर मिले, तो जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए ऐसी कंपनियों में। उसके बाद इसके डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज देख लेते हैं। तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज देखिएगा तो और चौंक जाइएगा, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। देखिए अर्निंग पर शेयर काफ़ी इंक्रीज हुआ, देखते हैं डबल से भी ज़्यादा। अगर यहाँ पर आप देखिएगा 2016 में मात्र 23 रुपया अर्निंग पर शेयर था, अभी 59 हो चुका है 2020 में। तो रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए 31%, रिटर्न ऑन इक्विटी 31% काफ़ी बेहतरीन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 40%, वो भी ये थोड़ा सा मार्च क्वार्टर इसका प्रभावित रहा था, लास्ट क्वार्टर क्वार्टर फोर, इसी कारण थोड़ी सी गिरावट नहीं देख सकते हैं। 44-46 का हुआ करता था, उससे भी पहले काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट देखते हैं 29%। तो आप कोई भी पैरामीटर्स देख लीजिए, कंपनी हर पैरामीटर्स पे काफ़ी बेहतरीन है। डेप्ट इक्विटी रेशियो बिल्कुल जीरो, डेप्ट फ्री कंपनी आपको मिल रही है, और इतने बेहतरीन फंडामेंटल्स के साथ, ऐसे बेहतरीन फंडामेंटल्स आपको बहुत कम कंपनियों में देखने मिलेंगे। ऐसे बेहतरीन फंडामेंटल्स आपको देखने मिल रहे हैं और डेप्ट फ्री कंपनी। तो अब हम इसके टेक्निकल एनालिसिस को करेंगे। तो उससे पहले जान लीजिए ये कंपनी कौन सी है। तो ये HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। ये एक तरह से जॉइंट वेंचर है HDFC बैंक का और HDFC का। तो ग्रुप काफ़ी बेहतरीन है, इंडिया का नंबर वन ग्रुप मार्केट कैपिटलाइजेशन में, जिसका कभी कभी मार्केट कैपिटलाइजेशन टाटा के ग्रुप से भी ज़्यादा हुआ करता, कभी कभी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन टाटा के ग्रुप से भी ज़्यादा चला जाता है। तो ये इस तरह से समझते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन नंबर वन ग्रुप, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और HDFC ग्रुप की कंपनी है। अब हम इसके पीर्स कंपैरिजन को भी देख लेते हैं। पीर कंपैरिजन भी देखिएगा तो ये कंपनी हर पैरामीटर पर बेहतरीन है। HDFC AMC मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं 53,000 करोड़। बजाज फिनसर्व इसको इस में मत लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए निप्पॉन इंडिया इसी सेक्टर से है। दो ही कंपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है लिस्टेड है, निप्पॉन इंडिया मात्र 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये 53,000 करोड़ के साथ है। एक और भी लिस्टेड होने जा रही है जल्द ही कंपनी, तो तीन कंपनियां हो जाएगी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, अभी दो ही कंपनी है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। ये नंबर वन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब एक तरह से कहिए ये नंबर वन ब्रोकरेज है। यहाँ अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया, तो अगर आप इंट्राडे के लिए डिलीवरी के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, तो जीरोधा में ओपन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर देख लीजिए। इसका जो टारगेट होगा वो भी बताएंगे, नीचे का जो सपोर्ट लेवल होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप चार्ट से क्लियर देख सकते हैं, चार्ट पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो 2400 है ये बार बार वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर दो दिन पहले भी ये 2400 तक गिरा और अगले तीन सेशन में ये देखते हैं 2500 को क्रॉस कर गया। तो ये बार बार यहाँ पर आता है 2400 इस पे आता है बार बार, यहाँ पे बाउंस बैक कर जाता है, आता है बार बार बाउंस बैक कर जाता है। तो जब तक इस लेवल को ये नीचे नहीं तोड़ता है, मतलब 2400 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, तो इसमें आपको बड़ा फॉल देखने नहीं मिलेगा। और ऊपर की बात करें तो ऊपर का जो इसका बार बार जो रेसिस्टेंस बन रहा है, रेसिस्टेंस वो है 2700, ऊपर का रेसिस्टेंस है 2700 और नीचे का जो सपोर्ट लेवल है 2400, इसी में यह साइडवेज मूव कर रहा है, अप डाउन। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 2700, तो यह निश्चित है यहाँ पर जो मोमेंटम दिखाएगा कम से कम 3200 तक का। तो ऊपर जो हमारा 2700 को ब्रेक करता है, ऊपर इसका जो मतलब ब्रेक होगा वो 3200 तक का होगा, मतलब ऊपर 500 का मोमेंटम आएगा अगर ये 2700 को ब्रेक करता है। तो रिजल्ट है, जैसे रिजल्ट आता है, अब जो नेक्स्ट रिजल्ट आने वाला है उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। 23 जुलाई को रिजल्ट आने वाला है, अगर रिजल्ट काफ़ी प्रभावित होता है, निश्चित है कि अगर काफ़ी प्रभावित हुआ, काफ़ी ख़राब हुआ, तो ये 2400 के लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। ये हो गया सपोर्ट और टारगेट। तो नीचे अगर ब्रेक करता है तो ये कहाँ तक आ सकता है, तो इसका जो 2100 है सबसे मेजर सपोर्ट होगा नीचे का। जैसे ये 2400 को ब्रेक करता है, अगर रिजल्ट कुछ खास ख़राब नहीं होता, तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देनी चाहिए। जैसे ये 2400 को ब्रेक करेगा, तुरंत SIP करना है हर लेवल पे। जैसे जैसे ब्रेक करता जाएगा नीचे, वैसे वैसे आपको SIP करना है। लेकिन मार्केट के डायरेक्शन को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट में जो कोई बड़ा फॉल नहीं आए, अगर बड़ा फॉल आता है तो ये 2000 के लेवल तक आराम से आ सकता है। अगर रिजल्ट भी ख़राब होता है, मार्केट में भी फॉल आता है, तो 2000 इसका बाइंग लेवल होनी चाहिए तब। तो ये सारे सपोर्ट है नीचे के, और ऊपर का तो ये
4000 तक जा सकता है, लेकिन सबसे पहला होगा 3200। उसके बाद ये लगा अगर ऊपर ब्रेक करते गया, मतलब ऊपर का ब्रेकआउट देते गया, तो 4000 इसका टारगेट होगा हमारा, मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे। अगर आप 5 इयर्स 10 इयर्स, तो इसका जो होगा 10,000 टारगेट होगा। अगर आप 5 इयर्स के लिए कहें तो इसका जो टारगेट होगा 10,000 रुपीज़ इसका 5 इयर्स में टारगेट होगा ऊपर की ओर। यहाँ पर देखते हैं काफ़ी वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रहा है, जब जब ये नीचे आता है तो काफ़ी वॉल्यूम इसमें इंक्रीज हुआ। देखते हैं यहाँ पर भी 2400 के लेवल पर आया तो काफ़ी वॉल्यूम इसमें आया, तो काफ़ी मतलब इसमें जो डिलीवरी है वो काफ़ी मतलब उठाया जा रहा है, डिलीवरी के लिए काफ़ी वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पर RSI देखिएगा तो RSI अभी है 51.93, मतलब 52 का RSI यहाँ काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर RSI वीकनेस दिखाया था, तो यहाँ पर आप जैसे ये स्ट्रेंथ दिखाया यहाँ पर आपको बाइंग करनी चाहिए, जैसे यह स्ट्रेंथ दिखाया आपको बाइंग करनी है। जैसे ये ऊपर गया फिर से यहाँ पर नीचे आने का वीकनेस दिखाता है RSI, तो आपको सेलिंग करना है, लेकिन कब, शॉर्ट टर्म पोजिशन के लिए अगर आप इसमें पोजिशन बनाते हैं तब। तो ये है RSI का खेल। अब हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करते हैं, तो देखते हैं ये चार्ट कितना बेहतरीन है। देख सकते हैं ये पैंडमिक जो आया है, पैंडमिक के कारण ही इसमें गिरावट आया, नहीं तो ये चार्ट जब से ये लिस्ट हुआ है तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन आया, उसके बाद ये लगातार ऊपर की ओर ही जा रहा था। देख सकते हैं यहाँ से पैंडमिक के कारण इसमें काफ़ी मतलब करेक्शन आया, काफ़ी गिरावट आई 2000 के लेवल पर, वहाँ से फिर से ये बाउंस बैक किया, और बाउंस बैक करने के बाद ये गया 2700 के ऊपर ये ब्रेकआउट नहीं दिया अभी तक। अगर यहाँ से ब्रेकआउट कभी भी ये दिया तो नेक्स्ट टारगेट आपको बता ही दिए 3200, उसके बाद 400, और 5 ईयर्स के लिए 10,000 ऊपर का टारगेट है, क्योंकि ये बेहतरीन कंपनी है, इंडिया के नंबर 1 AMC कंपनी है। ऐसे भी देखते हैं ये 4000 का स्टॉक्स पहले भी था, 3700 यहाँ पर देखिएगा 3800 इसका 52 वीक हाई है, तो 4000 तो ईजिली ये अचीव कर जाएगा। तो ये था लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारे, मतलब हमने टेक्निकल रूप से आपको बताया कौन कौन से लेवल्स और टारगेट आपके लिए हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।